अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंशिएट करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं और एबनिशियो मेथड भी कहते हैं। तो हमने इसको एबनिशियो मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, वाई, तो हमने डेल्टा के साथ लिखना है वेरिएबल्स को। तो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पर हमारा एक्स है वहाँ पर हमने डेल्टा एक्स लिख दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस वाई, जो वाई हमने इस साइड पे भेज दिया। अब वाई की क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस साइन टू एक्स। अब हमने इसको डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस साइन टू एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब हमने इन आइडेंटिटीज़ का सहारा लेना है। साइड पे मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हमारे पास साइन टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स और माइनस साइन एक्स, यानी इन दोनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन है। साइन और साइन के बीच में यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस साइन है। जब माइनस साइन है साइन और साइन में, तो हमने ये इस साइड पे जो मैंने फार्मूला नंबर 2 लिखा हुआ है, आइडेंटिटी नंबर 2, ये हम यूज़ करेंगे। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हमारे पास कॉस आएगा ए प्लस बी ओवर 2, दोनों एंगल्स को सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और साथ ही मल्टीप्लाई में साइन आएगा, यानी पहला कॉस आता है और फिर साइन आता है। पहले वाले के साथ दोनों साइन दोनों एंगल्स प्लस करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करके, और दूसरे फंक्शन में जो आर्गुमेंट है दोनों एंगल्स को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इसका मतलब हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इस सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स, अब ये पूरा हमारा ए है और यहाँ ये हमारा बी है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो पहला हमारा क्या आ रहा था, कॉस, तो कॉस ए यानी 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये ए है, प्लस बी, सेकंड जो फंक्शन है इसका ये वाला एंगल ये बी है, प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए 2x प्लस 2 डेल्टा x, पहला एंगल, पहले फंक्शन का एंगल माइनस करके सेकंड का एंगल यानी 2x ओवर 2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा x भी मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आ जाता है 2x और 2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 आर्गुमेंट के अंदर इनटू साइन, ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 और इस पूरी के नीचे डिवाइड हो रहा है डेल्टा एक्स। तो अब आ जाता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इनटू कॉस, इस ब्रैकेट के अंदर कॉस के आर्गुमेंट में 2 जो है वो कॉमन आ जाता है, तो
तो इधर रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा x रह जाएगा, और इस आर्गुमेंट के नीचे 2 भी डिवाइड हो रहा है इनटू साइन, ये 2 और ये वाले 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाता है डेल्टा एक्स ओवर सब के नीचे डेल्टा एक्स भी आ रहा है, ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स, इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है डेल्टा एक्स। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, दोनों साइड पे हमने डेल्टा एक्स ये लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर ओवर 2, इस सब के नीचे 2 डेल्टा एक्स डिवाइड हो रहा है, तो साइन डेल्टा एक्स। तो हम इस तरह करते हैं, लिखते हैं ये 2 लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, और लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं साइन डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स मैंने सिर्फ साइन के नीचे लिख दिया, और यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो एक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि अगर साइन के आर्गुमेंट में डेल्टा एक्स हो, यानी साइन के आर्गुमेंट में जो भी वेरिएबल हो और उसी वेरिएबल से अगर डिवाइड भी हो रहा हो, और वो जो वेरिएबल होगा अगर दे उसके ऊपर लिमिट हम अप्लाई करें डेल्टा दे टेंड्स टू ज़ीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये पूरा 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन के एंगल में डेल्टा एक्स है और नीचे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रहा है, और यही डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो है लिमिट में, तो ये पूरा जो मैंने अभी ग्रीन ब्रैकेट में लिख दिया है, तो दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू 1। जब ये पूरा 1 की इक्वल है तो हमारे पास रह जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पर 2, और ये वाला जो है ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसके ऊपर मैं अगर अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूँ और उसके ऊपर अलग, तो फर्स्ट ब्रैकेट में जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो लिमिट अप्लाई होगा डेल्टा एक्स के ऊपर, तो डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x प्लस 0, और इस तरह जब ये लिमिट इधर अप्लाई होगा तो ये पूरी ब्रैकेट दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। ये अलग अलग हम अप्लाई नहीं करेंगे कि डेल्टा एक्स साइन 0 इज 0 और डिवाइडेड बाय 0, तो ये अनडिफाइंड बन जाता है, लेकिन ये हमारे पास एक फंक्शन है कि अगर ये इस तरह से हो साइन के आर्गुमेंट में जो वेरिएबल डिवाइड हो रहा हो अगर लिमिट उसका टेंड्स टू 0 हो, तो इस होल फंक्शन को हम 1 की इक्वल लेंगे, यानी इट मींस दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। तो मैंने 1 लिख दिया, तो यह हमारा आ जाता है 2 cos 2x, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया dy by dx is equal to 2 cos 2x।